स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट कंज्यूमर इक्लिबेरियम थ्रू इंडिफरेंस कर्ब एनालिसिस वी ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्वेरियम दैट इज़ सेम अंडर टूलिटी एनालिसिस एंड डिफरेंस कर्ब एनालिसिस वट वॉज़ द मीनिंग आई एम रिपीटिंग अगेन कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब डिराइव करता है जब वो अपनी लिमिटिड इनकम से मार्केट में जाके जो मार्केट प्राइजेज अवेलेबल होते हैं उन पे गुड्स को खरीदता है और डिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर इक्बरियम स्टडी करेंगे बाय टेकिंग डिफरेंस मैप एंड बजट लाइन टुगेदर दोनों ही हम स्टडी करेंगे इसमें नाओ विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आप डायग्राम में देखिए ध्यान से एक्स एक्सिस पे गुड एक्स शो की गई है वाई एक्सिस पे गुड वाई शो किया गया है एज आई हैव टोल्ड यू कि जो कंज्यूमर uh, इक्िबरियम है जब हम इंडिफरेंस कर्व में स्टडी करते हैं तो हमने किस चीज़ को टुगेदर स्टडी करना है बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व सो इन द डाइग्राम ए बी इज़ द बजट लाइन एंड देर आर थ्री डिफरेंस कर्व आर शोन आई सी वन आई सी टू एंड आई सी थ्री हायर एंड डिफ्रेंस कर्फ शोज हायर सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एंड लोअर एंडिफरेंस कर्व शोज लोअर एंड डिफ्रेंस कर्व नाउ वॉच दिस केयरफुली कि आई सी टू दिस इज आई सी टू एंड दिस इज बजट लाइन ए बी ये दोनों ही एक दूसरे को टच कर रही हैं पॉइंट ई e पे या हम ये कह सकते हैं कि जो बजट लाइन है इट इज़ टेंजेंट टू आई सी टू So, point E is said to be consumer equilibrium point. So, here are certain conditions of consumer equilibrium. First condition is MRS XY equal to PX upon PY. MRS XY means minor rate of substitution of X and Y is equal to price of X upon price of Y.

तो इफ़ ही इज एट पॉइंट एफ़ तो वो किस सिचुएशन में है व्हेन एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स फोन पी वाई इससे ऊपर हो गया इक्वालिटी वाले पॉइंट से तो एम आर एस एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन पी एक्स फोन पी वाई अब कंज़्यूमर ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है नाउ वट विल हैपन अब कंज़्यूमर क्या करेगा जब पॉइंट एफ पे है तो कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर रहा है वाई की ओ से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम इसको मार्क करते हैं तो वो रफली यहाँ पर आता है इट मीन वो इतनी क्वांटिटी वो बाई कर रहा है वाई की और एक्स की वो कितनी बाई कर रहा है दिस मच सो अगर उसने यहाँ से यहाँ तक अगर आना है इक्लीविम वाले पॉइंट पे तो कंज्यूमर को कौन सी गुड सेक्रीफाइस करे करनी पड़ेगी तो उसको वाई को छोड़ना पड़ेगा वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहाँ तक एफ से ले के ई e तक आने के लिए उसको यहाँ से एन तक की क्वांटिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी ही विल हैव टू सेक्रीफाइस सो कंज्यूमर विल रीच एट दिस इलिविन पॉइंट वो वाई को सेक्रीफाइस करेगा और इधर से एक्स की कंजप्शन इस पॉइंट से लेके एम तक इंक्रीज करेगा दैट मीन्स कंज्यूमर विल बाय ओ एन क्वान्टिटी ऑफ वाई एंड ओ एम क्वान्टिटी ऑफ एक्स सो ही विल बी सेट टू इन इक्लिब्रियम वेन एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई जब कंज्यूमर वाई की क्वांटिटी को सेक्रीफाइज करेगा तो एम आर एस विल डिक्लाइन फ्रॉम एफ टू ई सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर कंज्यूमर जी पॉइंट पे है दैट इज वेन एम आर एस एक्स वाई इज लोअर देन पी एक्स अपॉन पी वाई तो इट मीन्स कंज्यूमर एक्स की कितनी क्वांटिटी बाय कर रहा है इतनी और वाई की कितनी बाय कर रहा है इतनी इट मीन्स वाई की वो कम बाय कर रहा है एक्स की वो ज़्यादा बाय कर रहा है अब फिर कंज्यूमर ने जी से ई e पॉइंट तक अगर पहुँचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ से क्वांटिटी उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी इट मीन्स ही विल बाई लेस ऑफ एक्स ठीक है तो उसको कितनी क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी ओ एम ये को सारी क्वांटिटी उसको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और इधर से उसको जो वाई की कंजप्शन है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करेगा दैट मींस अप टू पॉइंट n ही विल हैव टू बाई अगेन ही विल रीच एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन mrs xy इक्वल्स टू px अपॉन py सो द पॉइंट इज क्लियर टू यू कि व्हेन ही इज पॉइंट g तो उसको किसकी कंजप्शन डिक्रीज़ करनी है एक्स क्वांटिटी की जी से ई e तक जाने के लिए और इतनी क्वांटिटी वो एक्स की सेक्रीफाइस करेगा और इधर से वाई की कंजप्शन को इनक्रीज़ करेगा या हम ऑपोजिट भी कह सकते हैं कि एक्स की कंजप्शन को डिक्रीज़ करेगा और वाई की कंजप्शन को इनक्रीज़ करेगा टू रीच एट पॉइंट ई दोनों ही सूरतों में उसने चाहे वो ग्रेटर पॉइंट पे है चाहे वो लोअर पॉइंट पे है उसने इक्वालिटी वाला पॉइंट अचीव करना है दैट इज हम कंज्यूमर इक्लेबरियम वाला पॉइंट कहते हैं सो एम आर एक्स एक्स वाईक्सॉन पी वाई तो टू कंडीशन है एक तो ये वाली कंडीशन है सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी जो एम आर एस एड शुड कॉन्टिन्यूसली फॉल दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्लेबरियम क्योंकि अगर एम आर एस फॉल करेगी तभी जो आई सी टू है वो कन्वेक्स शेप में आएगी तो ये हम इसकी प्रॉपर्टी में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने आई सी की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं लास्ट वीडियो में कि वाई आई सी इज़ कन्वेक्स आई सी इज़ कन्वेक्स ड्यू टू डिक्लाइनिंग एम आर एस सो एम आर एस का फॉल करना ज़रूरी है अगर एम आर एस फॉल नहीं करेगी तो कंज्यूमर कभी भी इंडिफरेंस कंज्यूम एक वाले पॉइंट पे नहीं पहुंच सकता सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द नेक्स्ट जो आई सी थ्री है इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कंज्यूमर क्योंकि ये बजट लाइन से बाहर जा रही है एंड पॉइंट एच इज़ ऑल्सो अनडिज़ायरेबल फॉर द कंज्यूमर कंज्यूमर कांट रीच दिस पॉइंट क्योंकि कंज्यूमर का इतना बजट ही नहीं है कि वो इसको खरीद पाए इसके लिए उसकी जो प्राइस लाइन है अगर उसका बजट बढ़ जाता है इनकम बढ़ जाती है तभी वो एच पॉइंट पे पहुंच सकता है अदरवाइज़ आई सी थ्री जो कर्व uh, है इट इज़ आउट ऑफ रीच ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द प्राइस लाइन प्राइस लाइन के ये के ये बाहर है तो कंज्यूमर कभी भी इस पॉइंट को टच नहीं कर सकता इट इज़ अनडिजायरेबल सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर तो दिस इज हाउ टू अटेन कंज्यूमर इक्विडियम थ्रू इंडिफरेंस डिफरेंस का एनालिसिस